41 साल के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक घुड़सवारी में। जयपुर की 23 साल की दिव्यकृति ने देश का नाम रोशन किया है। जब से सातवीं क्लास में थी, पोलो प्लेयर पिता विक्रम सिंह के साथ दिव्यकृति ने घुड़सवारी सीख ली और कुछ ही समय में अपने स्कूल में घुड़सवारी की कप्तान बनी। घुड़सवारी एक ओलंपिक स्पोर्ट है और ओलंपिक्स का हिस्सा पहले से रहा है, लेकिन एशियन गेम्स के अंदर पहली बार घुड़सवारी 1982 में इंट्रोड्यूस हुई और उसी वर्ष एशियन गेम्स में 1982 के एशियन गेम्स में घुड़सवारी के एथलीट्स ने भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाए और जो पहला गोल्ड मेडल किसी भी स्पोर्ट में भारत को मिला 1982 के एशियन गेम्स में वो घुड़सवारी में मिला और उसके बाद हमने कभी भी ड्रेसाज में या शो जंपिंग में कोई मेडल नहीं जीता। दिव्यकृति को प्रशिक्षण के लिए यूरोप जाना पड़ा, खर्चा बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि पिता को अपना घर बेचना पड़ा दिव्यकृति को ये अवसर दिलाने के लिए। हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी गए, सबको जाके हमने हमारी रिक्वेस्ट भी दी और इन खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 साल में वो भी हमने उनके साथ शेयर की और कहा साहब हमारी टीम का मेडल का बहुत अच्छा चांस है, आप ट्रेनिंग के लिए कुछ फंड इस टीम के लिए मुहैया कराइए। तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में हमको यही कहा कि हमने हमारा इंटरनल सर्वे कराया है और ड्रेसाज के अंदर हिस्टोरिकली 1986 में ब्रॉन्ज मेडल आया था और उसके बाद कोई मेडल नहीं आया और हमने जो हमारी इंटरनल सर्वे कराई है, डिलीजेंस कराई है, उसके हिसाब से हमारा ड्रेसाज के अंदर कोई चांस नहीं है। बिना सरकारी बजट, बिना कोई आर्थिक सहयोग के दिव्यकृति को उनके पिता ने इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्योंकि उनका कहना है सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ही नहीं, लेकिन बेटियों को खेल के मैदान में भी आगे बढ़ाना है। जयपुर से मुबारक खान के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।